निखिल के फ्रेंड के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। अगर उसका दोस्त नहीं मिला तो निखिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं कहां जाऊं। सुनो बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? अंकल, ये मेरा दोस्त है, आपने कहीं देखा है इसको? वो उस गली में, देख रहे हो ना, वो आखिरी में उस गली में कैफे है, उसमें मैंने इस लड़के को देखा था। थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, मिराया मिराया मिराया, निखिल के दोस्त का पता चल गया। अंकल कह रहे हैं उन्होंने उसको कैफे में देखा है, वो सीधा वाली गली में। चलो हम चल, कह रहा है प्लीज बताओ हम सबको रात को यहाँ क्यों बुलाया? आप तो कोयल के बारे में कुछ बताने वाली थी, क्या है बताओ क्यों बुलाया? ग्रोसरी दिखाने के लिए? हम मुल्तानी अंकल, थैंक यू सो मच लास्ट मिनट में उस कुरियर को कैंसिल करवाने के लिए। आई एम ट्रूली सॉरी फॉर द कैओस। लेकिन लास्ट मिनट ये तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया युक्ति? अंकल, मेरे अंदर ना मेरे पापा बसते हैं और उनके कहे को ही मैं अपना लास्ट वर्ड मानती हूँ, तो उन्होंने जो भी कहा मैंने वो किया। आई नो इसकी वजह से थोड़ी जंग हमारी बढ़ गई है, लेकिन क्या है ना अंकल, प्रेम महाजन की बेटी डीजे जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। व्हाट इज योर प्रॉब्लम गार्गी? तुम्हें लगता है कि कोयल ने तुम्हें मारने की कोशिश की? ये सच नहीं है, प्रूफ चाहिए? मुझे शंभू ने सब कुछ बताया है। आओ, आज दिन में जब डीजे और ये कोयल मैडम गार्गी मैडम को मिलने आए थे, तब तुमने क्या देखा वो सबको बताओ। साहब जी, मैडम जी, जब ये दोनों आए थे तो पूजो कोयल मैडम को देखकर भौंकने लगा था, और मैम ने गिफ्ट का बास्केट टेबल पर रखा था, तभी एक अनजान लड़की आई और बास्केट के साथ छेड़छाड़ करने लगी। What? Oh my God! देख लीजिए, करे कोई अब भरे कोई, हाँ? और हमारी बिटिया पे इल्जाम लगाए जा रही हैं अब। वो लड़की कौन थी? मैडम जी, मेरा दूर का नजर थोड़ा कमजोर है और मैंने चश्मा भी नहीं पहना था। ठीक है, जाओ। थैंक यू। मतलब उस अनजान लड़की ने बहुत स्मार्टली पहले कोयल को डिस्ट्रैक्ट किया और फिर कोयल की लाई हुई ऑर्गेनिक कैंडल्स को अपनी लाई हुई सिंथेटिक कैंडल्स से बदल दी। समझी तुम गार्गी? कोयल तुम्हारी जान के पीछे नहीं पड़ी हुई थी। आपने मुझे क्या कुछ नहीं बोला गार्गी मॉम, अब बोलिए मैं क्या मारना चाहती थी आपको? मैं तो इतने प्यार से आपके लिए ऑर्गेनिक कैंडल्स गिफ्ट में लेकर आई थी, यू हैव नो आइडिया मैं घर जाकर कितना रोई थी। हाँ, एंगेजमेंट वाले दिन ही मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे आपसे ऐसे गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी। गलती हो गई थी नशे में मुझसे, और उसी बात की माफी मांगने के लिए मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। बेटा, तुझे दिख नहीं रहा है कि तेरा ऐसा करने से उस लड़की पर क्या बीतेगी? नहीं,
मेरी युविका इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। मिस मुल्तानी, मेरी एक बात गांठ बांध लो। भले ही मैं यहां पर नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी नजरें हमेशा आप पे गड़ी रहेंगी। बेटा, जितनी ताकत किसी पे हाथ उठाने में लगती है, उससे कई ज्यादा अपना हाथ उठने से रोकने में लगती है। तुझे उन लोगों की बुराई का अंत करना है, ना कि उन लोगों का अंत करना है। भले कितना वक्त भी क्यों ना लग जाए, ये जंग तो मैं जीत के रहूंगी, और वो भी बिना किसी शॉर्टकट के और उन आदर्शों के साथ जो मेरे माँ और मेरे पापा ने मुझे दिए। मिस मुल्तानी, वैसे कमाल का शौक पाला आपने आजकल। नहीं मतलब कभी भी कहीं भी जहां जगह देखी मुझसे टकरा जाना। आओ इससे एक बात कहूं, आई डोंट माइंड। मैंने कोई शौक नहीं पाला है, पर हाँ तुमने जरूर शौक पाला है मेरी और मेरी फैमिली के बारे में पता लगाने का, राइट? नहीं, मिस्टर मुल्तानी से मीटिंग के बहाने क्या रैंडम सवाल पूछने गए थे तुम? अगर इतने ही रैंडम सवाल थे तो उन्होंने आपसे क्यों शेयर किए? और अब तुम आगे पूछ भी रही हो मुझसे? क्वाइट स्ट्रेंज ना? मुल्तानी, अगर कोई बात है दिल में जो आप शेयर करना चाहती बता सकती हैं मुझे, आपका राज मेरे साथ राज ही रहेगा। मुझे ये कहना चाहती थी कि जब कुछ है ही नहीं बताने के लिए तो फिर क्या बताऊं तुम्हें? अपने सर कफन बांधकर इस जंग में उतरी हूं नील, इसलिए अपने से अपनों को दूर रखना चाहती हूं, और इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती नील, कभी नहीं, क्योंकि यही सेफ रहेगा तुम्हारे लिए। पटनील, थैंक्स, मैं तुम्हारी कही हुई बात का ध्यान रखूंगी। बॉस, ठीक है सर, मुझे आपको ये दिखाना था, यहाँ पे ना कोई गिरा है सर, लेकिन वो क्लियर नहीं दिख रहा है, मुझे लगा वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा है सर। ये फुटेज किस पॉइंट तक देखी है तुमने? सर, एक्सीडेंट के लगभग 2 घंटे के बाद तक देखा सर। अगर इस गड्ढे में कोई गिरा है और वो फुटेज में है तो यहाँ से इंसान गया भी होगा। वो फुटेज भी हो गया नहीं? जी 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 सर। पूरे 24 घंटे की फुटेज देखो दिन रात शाम, जब तक जो इंसान इस घंटे में गिरा है वो बाहर निकलता हुआ मुझे स्क्रीन पर नहीं दिखता है। तुम यही बैठे रहोगे, इतना टाइम वेस्ट हुआ और सही, गेट टू इट, कीप गोइंग, डोंट वेस्ट माय टाइम। Pause!
जूम करो। सुमो! ये क्या, ये चेहरा क्लियर क्यों नहीं है? मुझे इसका इसका चेहरा क्लियर चाहिए। ये चेहरा क्लियर होना चाहिए। अगर ये गड्ढे से जो इंसान निकला उसका चेहरा क्लियर नहीं हुआ तो जैसे इस मॉनिटर पे इसका चेहरा है ना, तुम्हारा चेहरा वैसा करूंगा। सर दो मिनट दीजिए, मैं कर रहा हूं। Hey, wait! हो जाएगा सर, मैं कर रहा हूं सर। हो रहा है सर। सर डन। अच्छा, इट इज हर। मॉम, आई नीड टू शो यू समथिंग अर्जेंटली। We found her. Finally, finally, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.